अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कमेंट करके कि कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा कि हमारे एक जानने वाले फ्रेंड हैं, उनका नाम नसीम भाई है, वो मिले हैं, तो उनसे मैं कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वो किस तरह सऊदी अरेबिया में आए और वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल फोरमैन में काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। मैं उनसे सारी सवाल पूछूंगा। और अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको अगर लेना हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हाँ, मैं नसीब भाई, आप ये बताइए कि आप सऊदी अरेबिया में कितने साल से हैं और किस कंपनी में काम कर रहे हैं। जी, मैं नसीम हूँ, मेरा नाम नसीम है, मैं बिहार से हूँ। मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल फील्ड में और तकरीबन 6 साल हो चुका है मेरा इस लाइन में, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में। और मैं दिल्ली के एक ऑफिस है अलमार ग्लोबल, वहाँ से फ़िलहाल उसके ज़रिए मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ अल्फनार कंपनी में हूँ। तो अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ साबिक प्रोजेक्ट पे पेट्रोकीमिया में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए फोरमैन में यहाँ सऊदी अरेबिया में कितने साल से हैं और फोरमैन का कितना सैलरी है, और जो लोग अगर फोरमैन में स्टार्टिंग फ्रेशर यहाँ आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में, तो क्या इंडिया में किस तरह का एक्सपीरियंस गेन करना है और कहाँ तक पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सऊदी का जो नया कानून है SEC, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आप फोरमैन या टेक्नीशियन का जॉब पा सकोगे। पर गलती से भी फेक सर्टिफिकेट का उपयोग मत कीजिएगा। जेन्युइन डिप्लोमा ITI हो तभी आप आइए यहाँ पे। और टेक्नीशियन अच्छी कंपनी हो तो टेक्नीशियन 3,500 से 5,500 तक सैलरी मिल जाएगा। एज ए फोरमैन आई एम गेटिंग नियर अबाउट 6,500 सऊदी रियाल। अच्छा, आपका ये बताइए कि सऊदी के अलावा टोटल कितने साल का गल्फ का एक्सपीरियंस है, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया है। इससे पहले मैं ओमान में था, मस्कत में अल हसन कंपनी में, वहाँ 4 साल था। सुहार एल्युमिनियम पावर प्लांट जो अलस्टम कंपनी बनाई थी उसमें था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उसके ज़रिए मुझे यहाँ फोरमैन के जॉब मिला। सऊदी बहुत अच्छी जगह है, फार बेटर जगह है, हर जगह से कमाने के नियत से सऊदी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ कमाना है तो सऊदी आइए। अच्छा, इंडिया में कोई अगर बंदा किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहा है, तो वो किस से रिलेटेड एक्सपीरियंस गेन कर, प्लांट से, प्लांट इलेक्ट्रिशियन में काम करे या बिल्डिंग लाइन में इलेक्ट्रिशियन में काम करे, जो गल्फ के लिए मदद हो। देखिए, सऊदी में फ़िलहाल तो मेंटेनेंस जॉब ज़्यादा है, उसके लिए आपको ग्लैंडिंग टर्मिनेशन ये तो नॉर्मल है, उसके अलावा आपको मेंटेनेंस जॉब आना जरूरी है, लाइक पैनल का, सब स्टेशन का टेस्टिंग हो गया, और या कंट्रोल वायरिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, मोटर का नॉलेज कंपलसरी है, ट्रांसफॉर्मर, दीज आर द क्राइटेरिया यू हैव टू क्लियर। ओके, ये नसीम भाई थे, हमारे इलेक्ट्रिकल में यहाँ गल्फ में काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस है इनका रहने का, और यहाँ रहने का जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। सर, बहुत अच्छा फैसिलिटी देती है फोरमैनों को, टेक्नीशियन को भी बहुत अच्छा फैसिलिटी देती है, सिंगल रूम देती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कंपनी पर, एज ए फोरमैन आपको कहीं भी फैसिलिटीज अच्छी ही मिलेगी, आपको पर्सनल कार मिलेगी, आपको खाना पीना का भी सब पर्सनल रहेगा, अलग स्टाफ का खाना रहेगा, रूम भी आपका फर्स्ट फुल फर्निश रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।